हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा को पूजने के लिए लोग साल में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। इन 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रि उदय नवरात्रि होती है, जबकि 2 गुप्त नवरात्रि होती है। उत्तर भारत की ज्यादातर जगहों पर ही नवरात्रि मनाई जाती है। माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती है। आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक शक्ति देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस बार आषाढ़ में फिर से नवरात्रि पड़ने वाली है, तो आइए आपको बताते हैं कब है गुप्त नवरात्रि। इस साल आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि 22 जून से शुरू हो रही है, जो 30 जून तक चलेगी। 30 जून को ही नवरात्रि का पारण होगा। 22 जून दिन सोमवार से शुरू होने वाले इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो आइए अब जानते हैं क्या होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि की पूजा माँ दुर्गा की उपासना के साथ तंत्र साधना के लिए भी जानी जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में भी लोग व्रत, पूजा, उपवास आदि करते हैं। लोग इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ लाभकारी माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं क्या होता है गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व। साल की 2 प्रमुख नवरात्रि में जिस प्रकार देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविधाओं की साधना होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधका माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माता धूम्रावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा होती है। आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि में भी उदय नवरात्रि की ही तरह कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेकर प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आराधना इसी दौरान की जाती है। साथ ही अष्टमी या नौवीं के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत की समाप्ति होती है। तंत्र साधना करने वाले इस दौरान माता के 10 महाविधाओं की साधना करते हैं।